हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है तड़प तो तड़प फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे ये एक रीमेक फिल्म है तो ओरिजिनल रीमेक के बीच में कंपेरिजन करेंगे ओरिजिनल वर्जन कहाँ पर फ्री में हिंदी डब में देखने को मिलेगा उसकी भी जानकारी दी जाएगी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में दूसरे अलग अलग स्पीक के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन दुसरेया ने डेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आर एक्स हंड्रेड का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आर एक्स हंड्रेड के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डिर किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी अशोक रेड्डी कुमाकोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था कार्तिक के क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनकी अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इम्पोर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकेय की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना क्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रिमेक और डब्ड दोनों वजन के राइट्स भी किए हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सेट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान सेट्टी को लेकर इस फिल्म को दो में बनाया गया जहाँ पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नडा वर्जन युवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहाँ पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया है जहाँ पे आहन सेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील सेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुल्तरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्सन रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मल्लन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियादवाला फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताइस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट ट्रैक्टर के हिसाब से इसको फोक स्टार स्टूडियो नडियादवाला क्रेंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था फोक स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरुमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इदोरी ने किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इस साथ कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुमसे भी ज़्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोटियाल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पर शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में केफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मर जानिया करके जो गाना था उसको नेहा का ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ तो पे चौतीस मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को इसलबम को ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज़ किया हुआ था तो फ़िलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज़ कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में इसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ आहन ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे आहन शेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए तारा सुतरिया लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईशाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईशाना के एडोप्टिव फादर थे एम एल ए दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमोद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कन्वर नेगी का रोल है वो राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो ईसाना के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगला केनकरे देखने को मिलेंगे कुटली जो रजमिशा ईसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम ने प्ले किया हुआ था के रोल, में के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनल हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीज़ें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सितंबर 2021 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ मिले हुए थे जहाँ पे सोलह स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन स्क्रीन्स अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते 5 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे से के ऊपर फिल्म ने गया, एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड डेज के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीक डेज के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ करूर सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पाँच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर दे तो होता है पत्तीस करोड़ चार लाख और इससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस तो करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताइस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहन सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फिल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्ज़न वाम इंडिया मूवीज़ वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स हंड्रेड वो आपको वाम इंडिया मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर एक्स हंड्रेड दोनों फिल्में आप ऑफिशियली टी टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डिरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आर एक्स का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आर एक्स के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी अशोक रेड्डी कुमा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था के क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनके अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इंपॉर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकिया की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रीमेक और डब्ड दोनों वज़न के राइट्स बिके हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वज़न के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान शेट्टी को लेकर इस फिल्म को 2019 में बनाया गया जहां पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग-अलग कन्नडा वर्जन शिवा 143 नाम के साथ बनाया गया था जहां पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहां पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया जहां पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानि कि सुनील शेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुल्तरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्स रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़ब के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मल्लन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियाद वाला फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताईस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट ट्रैक्टर के हिसाब से इसको फोक स्टार स्टूडियो वाला क्रेंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था फोक स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरुमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इदोरी ने किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत करें तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इससाद कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुमसे भी ज्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोट्याल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पे शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में कैफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज़ वर्ज़न था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मरजानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा का कन्ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौतीस मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को इस एल्बम को ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज़ किया हुआ था तो फ़िलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में ईसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ आहन ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे आहन इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नज़र आए तारा सुतारियान लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईसाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो के ईशाना केम एल ए दामोदर नोटियाल का फादर था वो कुमुद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कन्वर नेगी का रोल राजेश ने प्ले किया हुआ था लोल जो ईशाना की बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगाला केनकरे देखने को मिलेंगे कुथली जो रजमिशा ईशाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुकसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हेदर ने प्ले किया हुआ था के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे, पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनली हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीजें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को थियेटर में रिलीज करने वाले थे। लेकिन काफी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को तीन दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ सात स्क्रीन मिले हुए थे जहाँ पे सोलह स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन स्क्रीन्स अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मेक्स्ट पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीकडेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर फिल्म ने किया एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीक डेज के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीक डेज के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचास लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पांच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन दे तो होता है बत्तीस करोड़ चार लाख और इससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताईस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहन सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्ज़न वाम इंडिया मूवीज़ वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स हंड्रेड वो आपको वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर दोनों फिल्में आप ऑफिशियली टी टी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डायरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आर एक्स का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आर एक्स के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी अशोक रेड्डी कुमाकोंडा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था कार्तिके क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनके अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इम्पोर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकिया की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रीमेक और डब्ड दोनों वज़न के राइट्स बिके हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वज़न के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान शेट्टी को लेकर इस फिल्म को 2019 में बनाया गया जहां पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नड़ा वजन सिवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहां पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वजन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया जहाँ पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुल्तरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्स रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मलन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियादवाला फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताइस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट ट्रैक्टर के हिसाब से इसको फोक् स्टार स्टूडियो नडियादवाला क्रिंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था फोक् स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरोमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इदोरी ने किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत करे तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुमसे भी ज्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोटियाल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पे शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में कैफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज़ वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मरजानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा कन्या गया गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौतीस तो मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को इस एल्बम को ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में इसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ आहन ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे हंसेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए तारा सुतरियन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईसाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईशाना के एडोप्टिव फादर थे एम एल दामोदर नोटियाल जो रमिशा का फादर था वो कुमोद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कन्वर नेगी का रोल है वो राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो ईसाना के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगला केनकरे देखने को मिलेंगे कुथली जो रजमिशा ईशाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुकसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम दर ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को मिलेंगे महेश के रोल में शारिक अहमदे जिया राम के रोल में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सीने लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनली हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वही ओरिजिनली के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सितंबर 2021 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ मिले हुए थे जहाँ पे सोलह स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन स्क्रीन्स अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का टू पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीकडेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर फिल्म ने किया एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीक डेज के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीक डेज के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचह लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पांच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर दे तो होता है बत्तीस करोड़ चार लाख और इससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस तो करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताईस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहन सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्जन वाम इंडिया मूवीज वालों ने डब्ड करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स वो आपको वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर एक्स

अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी अशोक रेड्डी कुमा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनके अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इम्पोर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकेय की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रिमेक और डब्ड दोनों वजन के राइट्स भी किए हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिटी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सोतरिया और आहान सेट्टी को लेकर इस फिल्म को दो में बनाया गया जहाँ पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नड़ा वर्जन सिवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहाँ पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया है जहाँ पे आहन सेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील सेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्सन रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मलन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियादवाला स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताइस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट एक्टर के हिसाब से इसको स्टार स्टूडियो नडियादवाला क्रिंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था फोक् स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरोमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इद्दूरी ने किया हुआ था वहीं पर सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इस साथ कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुम से भी ज्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोट्याल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पे शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में कैफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज़ वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मर जानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा कन्ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौतीस मिनट और पैंतीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को इसलबम को ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज़ किया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज़ कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में ईशाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ आहन सेट्टी ने जो डैडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे आहन सेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नज़र आए तारा सुतरियान लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईसाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईसाना के एडोप्टिव फादर थे एम दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमुद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कनवर नेगी का रोल है वो राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो इसाना की बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगाला केनकरे देखने को मिलेंगे कुटली जो रजमिशाह ईसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहिला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुकसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम हैदर ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को मिलेंगे महेश के रोल में शारिक अहमदे जिया राम के रोल में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सिनेमेटिकली लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजनल ही हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीजें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सितंबर 2021 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को तीन दिसंबर दो को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ सात मिले हुए थे जहाँ पे सोलह स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मेक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे से के ऊपर फिल्म, फिल्म ने एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीकडेज़ के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनसडे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन nah किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पाँच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर करे तो होता है बत्तीस करोड़ चार लाख और जिससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताईस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहान सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्जन वाम इंडिया मूवीज वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स वो आपको वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर दोनों फिल्में आप ऑफिशियली टी टी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लूथरिया ने डायरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आरएक्स100 का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आरएक्स100 के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी अशोक रेड्डी कुमाकोंडा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनकी अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इम्पोर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकेय की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रिमेक और डब्ड दोनों वजन के राइट्स भी किए हुए थे फिल्म के तमिल वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिटी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान सेट्टी को लेकर इस फिल्म को दो में बनाया गया जहाँ पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नड़ा वर्जन सिवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहाँ पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया है जहाँ पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्स रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मल्लन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियाद वाला नडियादवाला स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताईस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट एक्टर के हिसाब से इसको स्टार स्टूडियो नडियाद वाला क्रेंसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरुमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इदोरी ने किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत करें तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुमसे भी ज्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोटियाल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पे शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था वो रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था हो ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में कैफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मरजानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा कन्ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौतीस तो मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो को इस एल्बम को ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में ईशाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ आहन सेट्टी ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे आहन सेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नज़र आए तारा सुतारियान लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईशाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईशाना के एडोप्टिव फादर थे एम दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमुद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कन्वर नेगी का रोल है वो राजेश ने प्ले किया हुआ था लोल जो इसाना की बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगाला केनकरे देखने को मिलेंगे कुतली जो रजमिशा इसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुकसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम हैदर ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को मिलेंगे महेश के रोल में शारिक मिलेंगे जिया राम के रोल में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें, इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम सिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सीने लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनली हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीजें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सितंबर 2021 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को तीन दिसंबर दो को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ सात मिले हुए थे जहाँ पे सोलह सौ छप्पन इंडिया में थे चार सौ इक्यावन स्क्रीन्स अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ साठ स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डिविडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनर्सडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे से के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीक डेज के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीक डेज के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पांच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन करें तो होता है बत्तीस करोड़ चार लाख और इससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस तो करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताईस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहन सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्जन वाम इंडिया मूवीज वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स वो आपको वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर दोनों फिल्में आप ऑफिशियली ओ टी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लूथरिया ने डायरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आरएक्स100 का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आरएक्स100 के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय फूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीजें उन्होंने की हुई थी अशोक रेड्डी कुमाकोंडा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था कार्तिके क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनकी अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इंपॉर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकेय की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना क्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रिमेक और डब्ड दोनों वजन के राइट्स भी किए हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान सेट्टी को लेकर इस फिल्म को दो में बनाया गया जहाँ पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नडा वर्जन सिवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहाँ पे धीरन राम कुमार और मानविता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया है जहाँ पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्स रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मलन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियादवाला फोक् स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताइस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट एक्टर के हिसाब से इसको स्टार स्टूडियो नडियादवाला क्रेंसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरुमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इदोरी ने किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत करें तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इस साथ कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुमसे भी ज्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोटियाल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पर शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में केफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और अशीष कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मर मरजानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा कन्ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौतीस मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर 2021 को इस एल्बम को ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज़ किया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को 2021 में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में ईसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ आहन सेट्टी ने जो डेडी का एडोप्टिड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे आहन सेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए तारा सुतारियान लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईसाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईसाना के एडोप्टिव फादर थे एम दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमुद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कनवर नेगी का रोल ओवर राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो इसाना की बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगला किनकरे देखने को मिलेंगे कुतली जो रज़मीसा इसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरभ चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुकसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम हैदर ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को मिलेंगे महेश के रोल में शारिक अहमद देखने को मिलेंगे जिया राम के रोल में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पर रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम सिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सीने लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनली हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीज़ें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे। लेकिन काफ़ी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को तीन दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे जहाँ पे सोलह सौ छप्पन स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन स्क्रीन्स अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डिडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीजों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पांच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीकडेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर फिल्म ने किया एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीकडेज़ के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पाँच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर करें तो होता है बत्तीस करोड़ चार लाख और इससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताईस करोड़ के बजट के सामने जहां पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहान सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फिल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्जन वाम इंडिया मूवीज़ वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स वो आपको वम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर एक्स दोनों फिल्में आप ऑफिशियली ओ टी टी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डिरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आर एक्स का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आर एक्स के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी अशोक रेड्डी कुमाकोंडा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था कार्तिकीय क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनके अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इंपॉर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकया की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रिमेक और डब्ड दोनों वजन के राइट्स भी किए हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान सेट्टी को लेकर इस फिल्म को दो में बनाया गया जहाँ पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नड़ा वर्जन युवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहाँ पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया है जहाँ पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्स रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्ज़न भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मलन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियादवाला स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताईस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट एक्टर के हिसाब से इसको स्टार स्टूडियो नडियादवाला क्रेंसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरुमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इदोरी ने किया हुआ था वहीं पर सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत करे तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इस साथ कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुमसे भी ज्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोटियाल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पर शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में के एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मर जानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौंतीस मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को इसलबम को ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज़ कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में इसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ सेट्टी ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे आहन सेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए तारा ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईशाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईशाना के एडॉप्टिव फादर थे एम दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमोद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कनवर नेगी का रोल वो राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो ईसाना की बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगला केनकरे देखने को मिलेंगे कुटली जो रजमिशा ईसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम हैदर ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को मिलेंगे महेश के रोल में शारिक अहमदे जिया राम के रोल में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पर रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सीने लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें औरिजिनल ही हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीज़ें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को तीन दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज़ करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन्स मिले हुए थे जहाँ पे सोलह सौ छप्पन इंडिया में थे चार सौ इक्यावन अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मेक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने 30 परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीकडेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर फिल्म ने किया एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीक डेज के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीक डेज के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने 7 लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने 5 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने 26 करोड़ 91 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर दे तो होता है 32 करोड़ 4 लाख और इससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था 2 करोड़ 82 लाख का ग्रॉस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने 34 करोड़ 86 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया करीबन सत्ताईस करोड़ के बजट के सामने जहां पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहान सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पर उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फिल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्जन वाम इंडिया मूवीज वालों ने डब्ड करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स वो आपको वम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर एक्स दोनों फिल्में आप ऑफिशियली ओ टी टी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डिरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आर एक्स का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आर एक्स के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने की हुई थी अशोक रेड्डी कुमाकोंडा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था के क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनके अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इंपॉर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकेय की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रीमेक और डब्ड दोनों वजन के राइट्स भी किए हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिटी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान सेट्टी को लेकर इस फिल्म को दो में बनाया गया जहाँ पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नड़ा वर्जन युवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहाँ पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया है जहाँ पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुल्तरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्सन रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्जन भी डबिंग वर्जन भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मलन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियादवाला फोक् स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताईस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट ट्रैक्टर के हिसाब से इसको फोक् स्टार स्टूडियो नडियादवाला ग्रेडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था फोक् स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरुमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इद्दूरी ने किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत करते तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे

वहीं पे तेरे सिवा जग में केफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मरजानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा कन्ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौंतीस तो मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को इसबम को ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज़ कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में इसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ हंसेट्टी ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे हंसेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए तारा सुतरियान लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईशाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईशाना के एडोप्टिव फादर थे एम एल ए दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमोद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कन्वर नेगी का रोल वो राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो ईसाना की बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगला केनकरे देखने को मिलेंगे कुटली जो रजमिशा इसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था केफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी डे का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुकसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम हैदर ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को मिलेंगे महेश के रोल में सारिक अहमद देखने को मिलेंगे जिया राम के रोल में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनल हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीज़ें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफी सारी पोस्टफोन के बाद एक और पोस्टफोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को तीन दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ सात मिले हुए थे जहाँ पे सोलह सौ छप्पन स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन स्क्रीन्स अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने 30 परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते 5 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से 13 करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीकडेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने 2 करोड़ 25 लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन 2 करोड़ 1 लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक कर करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीकडेज़ के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेन्स्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फ़िल्म ने पाँच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर दे तो होता है बत्तीस करोड़ चार लाख और इससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस तो करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताइस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहन सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्ज़न वाम इंडिया मूवीज़ वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स वो आपको वम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर दोनों फिल्में आप ऑफिशियली टी टी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डिरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आर एक्स का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आर एक्स के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी अशोक रेड्डी कुमा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था कार्तिक के क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनकी अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इम्पोर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकेय की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रीमेक और डब्ड दोनों वजन के राइट्स भी किए हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान सेट्टी को लेकर इस फिल्म को दो में बनाया गया जहाँ पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नडा वर्जन युवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहाँ पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया है जहाँ पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील सेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुल्तरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्सन रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मल्लन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियाला फोक स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताइस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट ट्रैक्टर के हिसाब से इसको फोक स्टार स्टूडियो नडियादवाला ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था फोक स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरोमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इदोरी ने किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत करें तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था 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 इसमें जो पहला गाना था, वो था तुमसे भी ज़्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोटियाल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पर शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में केफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मरजानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा का करने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौतीस मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को इस एल्बम को ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज़ किया हुआ था तो फ़िलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज़ कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में इसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ हंसेट्टी ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे हंसेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए तारा सुतरियान लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईशाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईशाना के एडोप्टिव फादर थे एम एल ए दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमोद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कनवर नेगी का रोल वो राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो ईसाना के बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगला केनकरे देखने को मिलेंगे कोतली जो रजमिशा ईसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को जिया राम के रोल में, में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म थे के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनल हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीजें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेती चौबीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को तीन दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ सात स्क्रीन मिले हुए थे जहाँ पे सोलह सौ छप्पन स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन स्क्रीन्स अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मेक्स पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनर्सडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे से के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड डेज के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीक डेज के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पाँच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर तो होता है पत्तीस करोड़ चार लाख और इससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताइस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहन सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्ज़न वाम इंडिया मूवीज़ वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पे ओरिजिनल वर्जन आर एक्स हंड्रेड वो आपको वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर एक्स हंड्रेड दोनों फिल्में आप ऑफिशियली टी टी सैटेलाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डायरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आर एक्स का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आर एक्स के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी अशोक रेड्डी कुमाकोंडा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था के क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनके अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इम्पोर्टेंट रोल में थे जहाँ पे कार्तिकिया की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रीमेक और डब्ड दोनों वर्ज़न के राइट्स बिके हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीज़ें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान शेट्टी को लेकर इस फिल्म को 2019 में बनाया गया जहां पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग-अलग कन्नडा वर्जन शिवा 143 नाम के साथ बनाया गया था जहां पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहां पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प तो उसका नाम तड़प रखा गया जहां पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्स रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मलन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियावाला स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताईस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट ट्रैक्टर के हिसाब से इसको फोक स्टार स्टूडियो नडियादवाला क्रेंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था फोक् स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरोमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इदोरी ने किया हुआ था वहीं पे सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत कर तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इस साथ कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुमसे भी ज्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोटियाल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पे शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में कैफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज़ वर्ज़न था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मर जानिया करके जो गाना था उसको नेहा कन्ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ पे चौंतीस मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो को इस एल्बम को ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज़ किया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज़ कई बार पोस्टपोड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में इसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ आहन सेट्टी ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे आहन इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए तारा सुतरियान ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईशाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईशाना के एडोप्टिव फादर थे एम एल दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमोद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कनवर नेगी का रोल है वो राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो ईशाना की बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगाला केनकरे देखने को मिलेंगे कुतली जो रजमीसा ईसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहिला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुकसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासिम दर ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को मिलेंगे महेश के रोल में सारिक अहमद शारिक अहमदे जिया राम के रोल में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनली हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीज़ें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को तीन दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ सात मिले हुए थे जहाँ पे सोलह स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन स्क्रीन अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ स्क्रीन्स में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते 5 करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीकडेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर फिल्म ने किया एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीक डेज के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीक डेज के ऊपर इस फिल्म ने वहाँ पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पाँच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर दे तो होता है बत्तीस करोड़ चार लाख और जिससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताईस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहन सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्ज़न वाम इंडिया मूवीज़ वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स वो आपको वाम इंडिया मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर दोनों फिल्में आप ऑफिशियली और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डायरेक्ट किया हुआ है ये फिल्म तेलुगु फिल्म आर एक्स का रीमेक है जो 2018 में बनाई गई थी 2018 की आर एक्स के बारे में बातचीत करें तो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था अजय भूपति ने अजय भूपति जिन्होंने आर एक्स हंड्रेड फिल्म के साथ ही अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे राइटिंग स्टोरी स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी अशोक रेड्डी कुमाकोंडा कोंडा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था के क्रिएटिव वर्क्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे लीड रोल में कार्तिकेय थे पायल राजपूत उनके अपोजिट थी राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरीधर ये सभी लोग इम्पोर्टेंट रोल में थे जहां पे कार्तिकेय की ये दूसरी फिल्म थी और ये काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सिर्फ दो करोड़ के बजट में बनी थी करीबन तीस करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया था जिसके चलते आर एक्स हंड्रेड कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म बन गई थी जिसके बाद में रिमेक और डब्ड दोनों वर्जन के राइट्स बिके हुए थे फिल्म के तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स बिके हुए थे जहाँ पे आदिपिनी सिट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले थे लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई ऑफिशियली चीजें सामने नहीं आई ओडिया में प्रेमाना पागलोपन करके फिल्म बनाई गई थी हिंदी में तारा सुतरिया और आहान शेट्टी को लेकर इस फिल्म को 2019 में बनाया गया जहां पे बाद में उसको तड़प नाम दिया गया था और इसी तरह अलग अलग कन्नड़ा वर्जन सिवा वन फोर थ्री नाम के साथ बनाया गया था जहां पे धीरन राम कुमार और मानवीता कामत लीड रोल में थे तो इस तरह से फिल्म के कई वर्जन बने जहाँ पे हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो तड़प उसका नाम तड़प रखा गया जहाँ पे आहन शेट्टी यानी कि अन्ना के बेटे रोहित सॉरी अन्ना के बेटे यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे थे उन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था उनके अपोजिट तारा सुल्तरिया को कास्ट किया हुआ था आर एक्सन रेड अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो वो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम नाम के साथ हिंदी डब में जहाँ पे गानों को भी डब किया हुआ है वो वर्ज़न भी डबिंग वर्जन भी, भी काफ़ी बढ़िया है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर वो फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अब वापस आ जाते हैं तड़प के ऊपर रजत और मोहम्मद आसिफ अली ने इसकी राइटिंग की हुई हिंदी वर्जन की स्टोरी तो ओरिजिनल अजय भूपति की थी डेक्शन मलन लुथरिया का ही देखने को मिलेगा प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नडियादवाला स्टार स्टूडियो के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सत्ताइस करोड़ का फिल्म का करीबन बजट था तो बजट भी अच्छा खासा था डिबिडेंट ट्रैक्टर के हिसाब से इसको स्टार स्टूडियो नडियादवाला क्रेंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया गया था फोक् स्टार स्टूडियो वालों ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रघुल धरोमन ने की हुई थी फिल्म की एडिटिंग थी वो राजेश जी पांडे ने की हुई थी 126 मिनट का रन टाइम था दो घंटे छः मिनट की फिल्म थी तो फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था वैसे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की थी तो काफ़ी सारा चेंजेस और कट ऑफ इस फिल्म में किया गया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवन इद्दूरी ने किया हुआ था वहीं पर सॉन्ग्स प्रीतम ने कंपोज किए हुए थे इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बात बातचीत करें तो उसके राइट से वो टी सीरीज ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे जहाँ पे गानों की कंपोजिशन प्रीतम ने की हुई थी लिरिक्स थे वो इस साथ कामिल ने लिखे हुए थे 2020 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था इसमें जो पहला गाना था वो था तुमसे भी ज्यादा जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था उसके अलावा था तू मेरा हो गया है उसको जो भी नोट्याल ने गाया था तेरे सिवा जग में उसको शिल्पा राव और दर्शन रावल ने गाया हुआ था वहीं पे शाश्वत सिंह ने भी गाया हुआ था और रेप वर्जन था वो चरण ने किया हुआ था इसका ना उसको गाया था बी प्राक और डीनो जेम्स ने वहीं पे तेरे सिवा जग में कैफे एडिट था वो दर्शन रावल ने गाया था उसका जो रिप्राइज़ वर्जन था वो मोहम्मद इरफान और रशीस कौर ने गाया हुआ था तू मेरा हो गया उसका इनकोर वर्जन जावेद अली के पास गवाया गया था ये दिल्ला मर जानियाँ करके जो गाना था उसको नेहा ने गाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म में टोटल आठ गाने थे जहाँ तो पे चौतीस मिनट और पैंतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको फिलहाल में ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऊपर सुन सकते हो उन्होंने तीन दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को इसलबम को ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज़ किया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर अब हम बातचीत करें तो फिल्म का प्रोडक्शन का शुरुआत था वो 2019 में ही करवा दिया गया था उसके बाद में फिल्म की शूटिंग चली फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तब कोविड आ चुका था जिसके चलते फिल्म की रिलीज कई बार पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली फिल्म को दो में ही थिएटर में लाया गया था इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के लीड रोल में इसाना का जो किरदार था वो प्ले किया हुआ आहन सेट्टी ने जो डेडी का एडोप्टेड बेटा था और लोल का बेस्ट फ्रेंड था जहां पे आहन सेट्टी इस रोल के साथ इस फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नजर आए तारा सुतरियान लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हुआ है रमीशा नोटियाल का जो ईशाना का लव इंटरेस्ट थी और दामोदर की बेटी थी डेडी का जो रोल था वो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया हुआ था जो ईशाना के एडोप्टिव फादर थे एम ए दामोदर नोटियाल जो रमीशा का फादर था वो कुमोद मिश्रा ने वो रोल प्ले किया हुआ है इंस्पेक्टर कन्वर नेगी का रोल है वो राजेश खेरा ने प्ले किया हुआ था लोल जो इसाना की बेस्ट फ्रेंड का रोल था वो सुमित गुलाटी ने प्ले किया हुआ था दादी के रोल में मंगाला केनकरे देखने को मिलेंगे कुटली जो रजमिशा ईसाना को मारने के लिए एक गुंडा हायर करती है वो है वो रोल सौरव चक्रवर्ती ने प्ले किया हुआ था कैफे लेडी का रोल सोहेला कपूर ने प्ले किया हुआ था वहीं पे लल्लन मोहित्रे जो डेडी का आदमी था वो रोल प्ले किया हुआ था मनोज कुकसाल ने वहीं पे काशीनाथ काशी का जो रोल था वो हासीम हैदर ने प्ले किया हुआ था भंडारी के रोल में ब्रिजभूषण शुक्ला देखने को मिलेंगे महेश के रोल में शारिक अहमदे जिया राम के रोल में गीता राम शर्मा देखने को मिलेंगे वहीं पे हाउस हेल्पर के रोल में भानु जोशी देखने को मिलेंगे प्रोड्यूसर के तौर पे रोहित सांगवान देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे एक और बात इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड और इस फिल्म के एंड में आपको जिस किरदार के ऊपर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी जाती है उनका ओरिजिनल नाम शिवा था और उनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है तो एक गांव की कहानी थी जिसको बाद में पर्दे पे दिखाया गया था हाँ थोड़ी सीने लिबर्टी ली गई लेकिन जो कहानी में जो चीज़ें थी मेन ट्विस्ट था वो सभी चीज़ें ओरिजिनली हकीकत में घटना करती थी और आखिर में जो इस फिल्म में हीरो के साथ होता है वो ही चीजें ओरिजिनली सिवा के साथ हुई थी इसके अलावा रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते चौबीस सितंबर 2021 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन काफी सारी पोस्टपोन के बाद एक और पोस्टपोन देखने को मिली और उसके बाद में फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करवाया गया फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब फिल्म को करीबन इक्कीस सौ मिले हुए थे जहाँ पे सोलह स्क्रीन्स इंडिया में थे चार सौ इक्यावन अदर कंट्रीज में थे तो इस तरह से इस फिल्म को इक्कीस सौ में डिसेंट रिलीज दिलवाई गई थी कोविड के बीच में फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को छियालीस सौ वोट हासिल हुए जिसमें पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहा क्योंकि एक डेब्यूडेंट एक्टर था उसके हिसाब से और साथ ही में कोविड के बीच में फिल्म रिलीज हुई थी तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए फिल्म ने एक अच्छा खासी ओपनिंग ली हुई थी फ्राइडे के दिन चार करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया था फिल्म ने सैटरडे के दिन चार करोड़ बारह लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने तीस परसेंट का जम दिखाया जिसके चलते पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से तेरह करोड़ बावन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में वीकडेज में फिल्म ने डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ पच्चीस लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन दो करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन फिल्म ने इंडिया से एक करोड़ पचहत्तर लाख का कलेक्शन किया थर्सडे के दिन एक करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते पहले वीक में इस फिल्म ने इक्कीस करोड़ चार लाख का कलेक्शन किया दूसरे वीक में सेकंड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ ग्यारह लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड संडे के ऊपर फिल्म ने एक करोड़ सैतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो करीबन तीन करोड़ इकसठ लाख का निकल के आया और सेकंड वीक डेज़ के ऊपर सेकंड हफ्ते के वीक डेज के ऊपर इस फिल्म ने वहां पे भी डिसेंट कलेक्शन किया मंडे के दिन उन पचास लाख का कलेक्शन किया था वहीं पे ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन चालीस लाख का थर्सडे के दिन तेरह लाख का तो इस तरह से इस फिल्म ने दूसरे वीक में पाँच करोड़ सात लाख का कलेक्शन किया दो वीक का कलेक्शन करीबन छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख इंडिया से निकला हुआ था उसके बाद में तीसरे वीक में इस फिल्म ने पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में फिल्म ने पाँच लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने छब्बीस करोड़ इक्यानवे लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था जिसका ग्रोस कलेक्शन कर दे तो होता है पत्तीस करोड़ चार लाख और जिससे फिल्म ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया था दो करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने चौंतीस करोड़ छियासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया करीबन सत्ताईस करोड़ के बजट के सामने जहाँ पे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे देखा जाए तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुई थी और चौंतीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा तो इस तरह से एक डिसेंट डेब्यू किया हुआ था आहन सेट्टी ने इस फिल्म के साथ जहाँ पे उन्होंने बखूबी इस फिल्म के किरदार में अपना काम करके दिखाया हुआ था और ऑडियंस को ये फ़िल्म पसंद भी आई हुई थी

इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि आर एक्स हंड्रेड उसका हिंदी डब्ड वर्जन वाम इंडिया मूवीज वालों ने डब करवाया हुआ है जो उनको जो तो इस फिल्म का आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि वाम इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आर एक्स हंड्रेड नाम के साथ हिंदी डब में देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तड़प फिल्म का जो ओ वर्जन है वो आपको डिजनी प्लस और स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे सैटेलाइट वर्जन स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तड़प नाम के साथ वहीं पर ओरिजिनल वर्जन आर एक्स वो आपको वाम इंडिया मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से तड़प और आर दोनों फिल्में आप ऑफिशियली टी टी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तो बस दोस्तों तड़प फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी जो इंटरेस्टिंग तथ्य थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के रिमिक ओरिजिनल के बीच में भी बातचीत की हुई है परफॉर्मेंसेज के बारे में बातचीत की हुई कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक एनालिसिस दिया हुआ है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर भी बातचीत की हुई है फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू